नेक्स्ट, अब मैथ लाइब्रेरी के ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम काम में ले सकते हैं, या कौन कौन से फंक्शंस मैथ लाइब्रेरी में हैं जो अपने लिए ज़्यादा काम के हैं, उनको देख लेते हैं। तो एक फंक्शन है स्क्वायर रूट के लिए SQRT, SQRT फंक्शन है, उसमें इनपुट एक रियल नंबर होगा, अक्स है जो आर्ग्यूमेंट है इनपुट आर्ग्यूमेंट, वो एक रियल नंबर होगा और इसका रिटर्न भी रियल नंबर होगा। SQRT में जो इनपुट है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है CBRT, CBRT क्यूब रूट के लिए है, मतलब पावर 1/3 a 1/3, और क्यूब रूट है उसमें एक्स जो इनपुट है वो एक रियल नंबर होना चाहिए, इसका आउटपुट भी एक रियल नंबर होगा। exp और एक्स, e की घात x एक्सपोनेंशियल x के लिए है exp x, यहाँ एक्स का रियल होना ज़रूरी है और इसका रिटर्न टाइप होगा, आउटपुट होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। लॉग ऑफ एक्स, ये नेचुरल लॉग जो होता है या लॉग ऑन बेस e होता है जिसको हम ln से लिखते हैं, उसके लिए सी प्रोग्रामिंग का फंक्शन है, इसमें इनपुट एक्स है वो एक रियल नंबर होगा और इसका आउटपुट भी एक रियल नंबर होगा, इसका इनपुट एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और आउटपुट एक रियल नंबर होगा, मतलब हमें इनपुट है वो पॉजिटिव रियल नंबर के रूप में देना होगा। लॉग टेन एक्स, ये भी लॉग है जिसमें बेस 10 हो वो लॉग है, और यहाँ इनपुट नेचुरल लॉग की तरह ही इनपुट एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और आउटपुट इसका एक रियल नंबर होगा। FABS x, यहाँ f फ्लोटिंग नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, ABS एब्सोल्यूट नंबर उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर x है कोई भी रियल नंबर होगा इनपुट और आउटपुट इसका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जो एक तरह से नेगेटिव नंबर का साइन चेंज कर देगा, पॉजिटिव नंबर में कोई चेंज नहीं करेगा। सेल CEIL, सेल जो फंक्शन है वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स, एक ऐसा नंबर जो इसका इनपुट एक रियल नंबर है उससे छोटा नहीं है, ऐसा सबसे छोटा इंटीजर नंबर, जैसे इनपुट में हमने 4.5 दिया तो 5 ऐसा इंटीजर है जो 4.5 से छोटा नहीं है, बाकी सभी इंटीजर से छोटा नहीं है, मतलब छोटा है, मतलब 4.5 के बराबर या इससे बड़ा सबसे छोटा इंटीजर नंबर है। यदि हम 4.9 कहते हैं इनपुट तो भी आउटपुट 5 होगा, क्योंकि 4.9 से बड़ा सबसे छोटा इंटीजर 5 है। फ्लोर ऑफ एक्स, ये एक वो नंबर है जो लार्जेस्ट इंटीजर है लेकिन सबसे लार्जेस्ट इंटीजर लेकिन जो इनपुट एक्स है उससे छोटा नहीं है, उससे बड़ा नहीं है, जैसे इनपुट में हमने 4.9 दिया तो 4 लार्जेस्ट इंटीजर है जो 4.9 से छोटा है, उससे बड़ा कोई भी इंटीजर 4.9 से छोटा नहीं होगा, तो वो होगा फ्लोर एक्स। POW x, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है इनपुट के रूप में, दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई, यहाँ इनका ऑर्डर भी सही रहना चाहिए, एक्स पहली वैल्यू है वाई दूसरी वैल्यू है, तो POW x, y का मतलब है x raised to the power y, x की घात y कैलकुलेट करना है, तो हम POW x, y लिखेंगे, यहाँ x और y दोनों ही रियल नंबर हैं। FMOD x, y, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर होता है, उसके लिए हम FMOD फंक्शन काम में लेते हैं, ये x और y को 10, 100, 1000 या 10,000 से इस तरह से मल्टीप्लाई करता है कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर बन जाएं। जैसे मान लें कि हमने 1.9/1.12 लिख दिया, तो 1.9 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो 19 इंटीजर बन जाता है, नीचे हमने 1.12 लिखा था जिसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर वो 11.2 बनता है, हम यदि दोनों को
100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.9 बन जाता है 190, जो कि इंटीजर है, और 1.12 बन जाता है 112, 112 दोनों इंटीजर बन गए। उसके बाद उनका रिमाइंडर लेंगे, 190 में 112 का भाग देने पर शेष फल क्या आएगा वो निकालेंगे, और फिर जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया था हमने, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो उस रिमाइंडर में 100 का भाग दे देंगे। ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर। तो वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ फंक्शन है एफ एम ओ डी एक्स कोमा वाई। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स, इनको लिखना है। पैटर्न है साइन के लिए एस आई एन और पेरेंथिसिस में एक्स, कोस के लिए सी ओ एस पेरेंथिसिस में एक्स, टेन के लिए टी एन पेरेंथिसिस में एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यूज है वो इनपुट में रियल नंबर्स होंगे और वो रेडियंस में इनपुट में लेनी होंगी। बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स एंड टेन इन्वर्स एक्स के लिए है ए एस आई एन पेरेंथिसिस मैक्स, ए सी ओ एस पेरेंथिसिस मैक्स, ए टी एन पेरेंथिसिस मैक्स। ए एस आई एन एक्स का मतलब है साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ साइन और कोस इन्वर्स एक्स के लिए एक्स की इनपुट वैल्यूज -1 to 1 होगी, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू देंगे वो रेडियंस में देंगे, इनका रिटर्न टाइप रेडियंस में होगा। ए टी एन जो है उसमें एक्स जो इनपुट है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स जो हैं वो वैल्यूज -π से π के बीच में देंगे, मतलब π 3.1415926 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी और इसकी नेगेटिव से छोटी वैल्यू नहीं होगी। हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक एंड टेन हाइपरबोलिक के लिए हम लिखते हैं साइन एस आई एन एच पेरेंथिसिस में इनपुट आर्गुमेंट एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए सी ओ एस एच पेरेंथिसिस में एक्स, टेन हाइपरबोलिक के लिए टी एन पेरेंथिसिस में एच, टी एन एच पेरेंथिसिस में एक्स। इसी तरह से हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए साइन के लिए ए एस आई एन एच, मतलब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के लिए ए एस आई एन एच पेरेंथिसिस मैक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स के लिए इनवर्स एक्स के लिए ए सी एस एच पेरेंथिसिस मैक्स। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक एक्स इनवर्स एक्स के लिए ए टी एन एच पेरेंथिसिस मैक्स। जब हम इनको कंपाइल करते हैं तो हम फिर याद रख लेते हैं कि जब भी हम कंपाइल करें तो हमें -lm लगाना जरूरी है, कंपाइल करते समय -lm लगाना जरूरी है। जब हम विंडोज़ काम में लेते हैं और क्लिक करके कंपाइल करते हैं वहाँ हर जगह -lm ऑटोमेटिकली लगता है। यदि हम लिनक्स काम में ले रहे हैं या कमांड मोड में gcc से कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ -lm सेंटेंस के कंपाइल की कमांड के एंड में लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करेगा। l और m दोनों लोअर केस में हैं, छोटे अक्षरों में हैं।